नमस्कार किसान भाइयों, इस खरीफ वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हो गई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की जो प्रक्रिया है उसको आसान करने के लिए छत्तीसगढ़ में टोकन ऐप के माध्यम से किसानों को टोकन काटने के लिए मौका दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को भी टोकन काटने में कोई दिक्कत हो रही है तो आज की इस वीडियो पर आप लोगों को मैं टोकन काटने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इस वीडियो को देख करके आप अपने मोबाइल से ही टोकन को काट सकोगे, इसके लिए आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको भी दिक्कत हो रही है टोकन काटने में तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टोकन ऐप से टोकन काटने के लिए सबसे पहले तो आपको टोकन ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर से सिंपली टोकन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है अगर आप इसमें पहली बार आ रहे हो तो। अगर आपको पासवर्ड भूल गए तो आप इसमें पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर है तो सिंपली अपना किसान कोड डालिए, उसके बाद अपना पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर इस प्रकार के पेज आ जाएगा। अब यहां पर आपको जो टोकन काटने का प्रोसेस है उसको चलिए आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पर बताते हैं। अब यहां पर आपको टोकन काटने के लिए टोकन के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपको डेट दिखा रहा है, इसी डेट में आप टोकन ले सकते हैं। जैसे कि आपको 23 तारीख को चाहिए टोकन, तो यहाँ पर 23 तारीख को सिर्फ 91.54 क्विंटल के लिए टोकन मिल सकता है, 91.54 किलो के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको 23 तारीख को टोकन लेना है तो सिंपली आवेदन करें पर क्लिक कर दीजिए। आवेदन करें पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाएगा। अब यहाँ पर पूरा आपको डिटेल दिखा देगा 23 तारीख का। 23 तारीख को सिर्फ 91.54 के लिए अभी टोकन बचा है और इसमें कुल 55.87 किलो के लिए टोकन कर सकता है। तो यहाँ पर आपको नीचे डालना है कुल धान की मात्रा क्विंटल में डालना है। तो आपको जितना क्विंटल बेचना है उतना यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पर 55.87 दिखा रहा है तो इसका जो कुल जो इसका तौल होगा 139 तौल होगा। 139 तौल मतलब 139 × 40 किलो, क्योंकि एक तौल में 40 किलो रहता है। तो कुल 5560 किलो होगा, मतलब 55 क्विंटल 60 किलो। तो यहाँ पर मुझे 55 क्विंटल 60 किलो डालना रहेगा। तो इस प्रकार से आपको जोड़ करके डालना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने डाला था 55.87, तो यहाँ पर दिखा दिया कि जो यहाँ पर जो क्वांटिटी डाले हो उसको 40 किलो के हिसाब से डालिए, मतलब आपका जो तौल होगा उसके हिसाब से डालिए। तो जैसा कि मेरा इसमें कुल 139 तौल होगा जो कि 55.60 क्विंटल का रहेगा, मतलब 55 क्विंटल 60 किलो का रहेगा। तो इस प्रकार से डाल करके सिंपली अपना हिसाब किताब करके डाल दीजिए, उसके बाद सुरक्षित कर दीजिए। सुरक्षित करने के बाद इस प्रकार से आपको दिखाएगा कि आप चुने गए दिनांक में धान की मात्रा 55.60 क्विंटल 60 किलो टोकन जारी करना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक कर दीजिए। हाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से इस प्रकार से आपको दिखाएगा, धान खरीदी के समय टोकन के बराबर या उससे कम मात्रा में धान खरीदा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खरीदा जा सकता, उस हिसाब से यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद हाँ या नहीं पर क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद हाँ पर क्लिक कर दीजिए। हाँ पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका जो टोकन है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद बैक आ जाइए। उसके बाद टोकन संबंधित जानकारी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद पावती देखे पर क्लिक कर दीजिए। पावती देखे पर क्लिक करने के बाद आपको जो टोकन का वो पावती है वो मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर यहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिए। जब भी आप धान लेके जाइएगा तो सीधा आप सोसाइटी में दिखा दीजिए, उसके बाद आपका जो आगे का प्रोसेस है धान बेचने का वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से सिंपल से स्टेप करके आप खुद से ही टोकन ऐप के माध्यम से टोकन को काट सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।